अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल खीरी पोटी रेसिपी। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें आधा किलो खीरी ले लेंगे और ये एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक हाफ लेमन है ये, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच नमक, आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ले। और ये टेंडर पाउडर है। और अब हम सबसे पहले कुकर में खीरी को ऐड कर देंगे, आधा किलो खीरी को, और उसमें हम ये सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। आप लोग नमक और मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डालें। आप लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा और आधा चम्मच एक्स्ट्रा डालें। और अब हम लेमन को इसमें आधे लेमन को निचोड़ लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच डालेंगे और ये टेंडर पाउडर हाफ टेबल स्पून डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा ग्लास पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से पानी में मिक्स करके इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके भी मिक्स कर लेंगे। फिर कुकर का ढक्कन लगाकर हम पहले गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, जब सीटी लगने लगे तो इसे 20 से 25 मिनट गलने रखेंगे स्लो फ्लेम पर। ये देखिए खीरी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए 20 से 25 मिनट रखेंगे। फिर इसे अच्छे से हाई फ्लेम करके भून लेंगे, इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे। जब ऑयल इसका सेपरेट होने लगे तब तक इसे अच्छे से भूनेंगे। देखिए नीचे लगने लग रही है खीरी, ऑयल अच्छे से इसका सेपरेट कर लेंगे। फिर इसे हम निकाल लेंगे, गैस पर से उतार लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो ऐड करें। फिर इसे फूड कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम स्मोक देने के लिए ये इस छन्नी पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों से। फिर हम सारी हमारी जो खीरी की बोटी थी उसे हम रख देंगे गैस की फ्लेम स्लो या हाई करके। इसे हम चारों तरफ फैलाकर अच्छे से स्मोक दे देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर। और आप लोग चाहे तो इस पर बटर भी ऐड कर सकते हो, मक्खन यानी ऐड कर सकते हो। और ये हमारी जो है खीरी बोटी स्ट्रीट स्टाइल रेडी हो गई है। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये, एक ही बार कटने से ये अच्छे से टूट गई है, ये देखिए माशाल्लाह से। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।